सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे Realme के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आएगा। ये स्मार्टफोन होगा GT सीरीज में और इसका नाम होने वाला है GT Neo 2 स्मार्टफोन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कुछ दिन से यहाँ पे हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी। इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे नए स्टूडियो में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन पहले की तरह अब आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी स्मार्टफोन्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अब आते हैं दोस्तों हमारी वीडियो पे, यानी Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी हैं, इसके अलावा कब इंडिया में लॉन्च होगा और कितने प्राइस पे आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से Realme एक के बाद एक अच्छे स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन था Realme GT Explorer Edition, वो फिलहाल इंडिया में नहीं आएगा, ये आप कंफर्म मान सकते हैं। इसकी जगह Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद इसके प्राइस और इसके लॉन्च के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो Realme के जो बाकी स्मार्टफोन्स में मिलता है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी वही AMOLED डिस्प्ले जिसके अंदर 120 हर्ट्ज होगा। लेकिन साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्योंकि Realme 6.4 इंच 6.5 इंच के आसपास की डिस्प्लेज आपको देता है, लेकिन यहाँ पे 6.6 इंच की डिस्प्ले आपको दी जाएगी Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन में। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस वाइज भी बात करें तब भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आप सबके लिए, अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट आपको दिया जाएगा, साथ में 5G का सपोर्ट होगा। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज बात करें फिर डिस्प्ले वाइज, एक प्रीमियम स्मार्टफोन की आपको प्रॉपर फील आएगी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको UFS 3.1 स्टोरेज का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे LPDDR5 रैम आपको दी जाएगी जिसमें 8GB और 12GB रैम में से आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा 256GB तक के स्टोरेज के ऑप्शन आपको इस स्मार्टफोन में दिए जाएंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज जिनको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन, यहाँ पे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन अगेन दोस्तों, जहाँ पे आपको एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है वो है इसका कैमरा। यहाँ पे अगेन कुछ भी नया नहीं है, ना कोई टेलीफोटो कैमरा है, ना ही OIS का सपोर्ट है। सेम वही 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमराज, जिसमें 64 मेगापिक्सल के अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा आपको दिया गया है। यहाँ पे Realme को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि Motorola जैसी कंपनीज की अगर हम बात करें, फिर Samsung जैसी कंपनीज की आपको OIS प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में आपको टेलीफोटो लेंस भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। तो यहाँ पे एटलीस्ट OIS होना चाहिए था, या फिर एक टेलीफोटो लेंस ऐड कर देते इस 2 मेगापिक्सल की बजाय तो काफ़ी अच्छा होता। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो हमेशा की तरह वो भी आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। लेकिन स्टिल जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, इसके रिव्यू आएंगे, तब पता लगेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है अगर हम इसके कैमरा वाइज बात करें। एक स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट आप बोल सकते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है, वो है इसकी बैटरी। जी हाँ दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी है, साथ में है 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो बैटरी बड़ी है और फास्ट चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी है, इस मामले में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, साथ में इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे और इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन भी देखने में आपको काफ़ी हद तक प्रीमियम लगेगा, काफ़ी अच्छा दिखने वाला डिज़ाइन यहाँ पे Realme ने बनाया है। कुछ कस्टमर्स को ये स्मार्टफोन इंस्पायर लग गया है यहाँ पे OnePlus 9 सीरीज से, वहीं पे कुछ स्मार्टफोन कस्टमर्स को यहाँ पे Oppo के स्मार्टफोन्स की भी फीलिंग आ सकती है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो डिस्प्ले अच्छी है, यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी कमाल का है, साथ में बैटरी वाइज काफ़ी अच्छा काम किया गया है, छोटे मोटे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स की बात करें या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, Realme UI यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को। और जिस दिन गाइस ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा मार्केट में, उम्मीद ऐसी है कि उसी दिन आपको Realme UI 3 भी देखने को मिलेगा जो कि Android 12 पे बेस होगा। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि इंडिया में Android 12 पे आएगा या फिर Android 11 पे ही। मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि Android 11 के साथ में इसको लॉन्च किया जाएगा, बाद में इसको अपडेट मिलेगा 12 का। अब बात करते हैं गाइज कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। तो अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है, 13 तारीख को ये स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिल सकता है आपको इंडिया की अगर हम बात करें। इसका यहाँ पे इंडिया पे इनकी वेबसाइट के ऊपर सपोर्ट पेज लाइव हो चुका है। इसके अलावा 13 तारीख को ही आपको Realme UI 3 भी देखने को मिलेगा और उम्मीद ऐसी है कि उसी दिन आपको Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। अगर इस स्मार्टफोन के प्राइस की हम बात करते हैं तो 30,000 से लेकर 32,000 रुपये के आसपास ये स्मार्टफोन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। और यहाँ पे अगर 30,000 रुपये के अंदर इस स्मार्टफोन को लेके आते हैं तो एक काफ़ी कमाल का ऑप्शन होगा सभी कस्टमर्स के लिए।
लेकिन अगेन दोस्तों उसी प्राइस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे IQOO 7 जैसे स्मार्टफोन्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मच बेटर कैमरा सेटअप आपको दिया गया है, साथ में सेम परफॉर्मेंस है और वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा सेटअप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल 30,000 से ऊपर ये स्मार्टफोन नहीं जाएगा, 30,000 रुपये के आसपास ही आपको इंडियन मार्केट में मिलेगा। तो यही है गाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन के बारे में। आप हमें बताइए कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।